दोस्तों नमस्कार, जेतार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो जेतारण का सबसे बड़ा जेतारण न्यूज यूट्यूब चैनल। और आज जेतारण न्यूज के साथ जेतारण विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व संसदीय सचिव एवं छत्तीस कौम के नेता कहूँगा श्री दिलीप जी चौधरी, जो आज जेतारण न्यूज से अपने अति व्यस्तम समय निकालकर आज रूबरू हो रहे। तो मैं श्री चौधरी साहब से जानना चाहूँगा, आप पिछले लंबे समय से अपने इस चुनावी महासमर में अपने जनसंपर्क कर रहे हो, तो इस बार आपको अपना माहौल कैसा लगा? इस बार कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बहुत ही शानदार माहौल है। मैंने कई चुनाव लड़ लिए, लेकिन इस बार जो जनसैलाब और आम आदमी के दिलों में जो खुला कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल बना है वो बहुत ही शानदार है। जेतारण क्षेत्र में कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा लहर है। आज नौजवान, माता बहनें, बुजुर्ग, किसान, आज बच्चे बच्चे की जुबान पर एक ही बात है, अब की बार कांग्रेस सरकार। चौधरी साहब, आप कांग्रेस के प्रत्याशी हो, लेकिन अभी तक आपके चुनाव प्रचार में कोई स्टार प्रचारक नहीं आया, वो क्यों? हमारे तो स्टार प्रचारकों की भी मेहरबानी है, और जेतारण इलाके का बच्चा बच्चा आज कांग्रेस का तिरंगा झंडा लेकर सड़कों पर वोट मांग रहा है। ऐसा जनसैलाब, इतना जज्बा कांग्रेस के पक्ष में, और मेरे को आशीर्वाद देने के लिए जो आम जनता में जिस रूप में जो वातावरण बना हुआ है, आज 20-20 घंटे में जनसंपर्क में लगा हुआ हूँ। रात को देर रात तक भी मेरे निवास पर हज़ारों की तादाद में लोग मुझे सहयोग और समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि मुझे कांग्रेस पार्टी का टिकट मिलने के बाद मैंने सबसे पहला ये काम किया कि जेतारण क्षेत्र की तमाम कांग्रेस के साथियों को मैंने एकजुट करने का काम किया। आज जेतारण का बचा बचा कांग्रेस का तमाम पदाधिकारी सभी लोग मेरा और कांग्रेस पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि इस बार कांग्रेस के पक्ष में सभी लोग इसको जिताने के लिए काम कर रहे हैं। चौधरी साहब, जैसा कि आपने बताया कि कांग्रेस आपके साथ है, आप भी जानते हैं, आपके कार्यकर्ता भी जानते हैं, और जहाँ तक मुझे भी पता है यहाँ आपके अलावा जेतारण क्षेत्र से अनेक प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ वो आपके साथ ही नहीं है। प्रत्याशी तो नहीं, सभी साथ में मेरे लिए सभी लोग काम कर रहे हैं। नहीं, कई बड़े दिग्गज जो जेतारण से टिकट मांग रहे हैं वो कहीं मैदान में मेरे को नजर नहीं आ रहे हैं। वो दिग्गज तो स्टार प्रचारक बन के उनकी ड्यूटियाँ बाहर लग गई, लेकिन जेतारण क्षेत्र का जो स्थानीय इस इलाके के जो कार्यकर्ता है, आज जेतारण विधानसभा क्षेत्र के जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, वो कांग्रेस के पक्ष में जी जान से जुटे हुए हैं। चौधरी साहब, जेतारण चुनावी महासमर में आपके सहित 19 और प्रत्याशी है, आप अपना मुकाबला किससे मानते हो? मुझे तो लगता ही नहीं है कि अभी मेरे सामने कौन टक्कर में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बार बहुत ही प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है। और चाहे मगरा हो, चाहे मारवाड़ हो, चाहे किसी भी इलाके में, सभी वर्गों का समर्थन आज मुझे मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। और आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की जो पिछली सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं थी, हमने किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, आम आदमी के फ़ायदे पहुंचाने के लिए जो हमने काम किए, आज लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी की जो 5 साल की सरकार है, उन सरकार में विफलताएं थी, हमारी योजनाओं को तोड़ मोड़ गया, आम आदमी को परेशान करने का इन्होंने काम किया, एक भी जनहित के कोई काम उन्होंने किए नहीं। आज जेतारण में पीने के पानी के लिए लोग तरह तरह कर रहे हैं, सड़कों के हाल खराब हैं, मेडिकल साइड में सारी व्यवस्थाएं, मैं गांव-गांव में प्रचार करने जा रहा हूँ, आधे से अधिक सब सेंटरों के ताले लगे हुए हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, आज बिजली की व्यवस्था का माकूल प्रबंध नहीं है, नरेगा ठप पड़ी है, आज हमारे राशन की दुकानों पर अनाज लोगों को नहीं मिल रहा है, पेंशन के लिए लोग बैंकों के चक्कर काट रहे हैं, हज़ारों लोगों के एपीएल बीपीएल में नाम काट दिए गए। आज बच्चे बच्चे की जुबान पर है कि राज तो कांग्रेस का सबसे बढ़िया है, हमको कांग्रेस पार्टी का राज चाहिए। और वो भावना आज मैं जब विधायक था पिछली बार, मेरे विधायक कार्यकाल के कामों को भी लोग आज याद कर रहे हैं। मैंने 5 साल में इस इलाके के आम आवाम के लिए बहुत ही अच्छे और शानदार काम किए, और हमने विकास भी किया, और किसी को हमने कष्ट नहीं दिया, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, और इसलिए ही आज सारे लोग मेरे साथ जुड़ने में संकोच नहीं कर रहे हैं। आज तमाम जितने भी 20 प्रत्याशी हैं,
उन प्रत्याशियों में आज आम आदमी की जुबान पर एक ही बात है कि दिलीप चौधरी सबसे सर्वश्रेष्ठ कैंडिडेट है जो इलाके को विकास भी करेगा और सबको साथ लेके चलेगा। ये वातावरण बन गया ऑटोमेटिक। और रोजाना मैं पूरे इलाके में खान साहब जा रहा हूँ और करीब 20-20 मीटिंगें कर रहा हूँ। सैकड़ों की तादाद में लोग भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं। आज एक तरफा कांग्रेस का माहौल है। चौधरी साहब, आपके प्रमुख चुनावी बिंदु क्या है? मेरे प्रमुख चुनावी मुद्दे सबसे पहला मुद्दा तो मेरा यह है कि मैं MLA बनने के बाद में मेरी 36 कौम का जो कांग्रेस परिवार है, हमारे कार्यकर्ता है, वो जिस गांव में जो भी काम मुझे बताएंगे हम उसको पहली प्राथमिकता देंगे। मेरी प्राथमिकता कार्यकर्ता और इलाके की आम मतदाता है, उस रूप में हम काम करेंगे। दूसरा, हमारा इस इलाके की जो पेयजल की व्यवस्था बहुत तकलीफदेह है, तो पानी का बंदोबस्त हम चाहे ढाणी में बैठा हो, चाहे दूर दराज की बाड़ी में बैठा हो, चाहे पहाड़ी इलाके में कोई भी भाई बैठा हो, हम हर सूरत में हर जगह पानी पहुंचाने का हम काम करेंगे। नंबर दो, मेडिकल व्यवस्था इस क्षेत्र में बड़ी ख़राब है, उसको मेरी पहली दूसरी प्राथमिकता होगी मेडिकल साइड की। सारे सब सेंटरों में स्टाफ लगाएंगे, PSC में डॉक्टर लगाएंगे और हर अस्पताल में, आज जैदान क्षेत्र में 21 PSC और 3 CSC है, जहाँ एम्बुलेंस नहीं है हर जगह की एक एम्बुलेंस हम प्रायोरिटी से देंगे ताकि लोगों को अस्पताल आने में, मरीजों को, माता बहनों की डिलीवरी में उनको अस्पताल आने में दिक्कत नहीं आए। और जैतरण का जो CSC है अभी 75 बेड का है, लेकिन BJP राज में व्यवस्थाएं 25 बेड की भी लोगों को नहीं मिली। मेरी प्राथमिकता होगी कि जैतरण अस्पताल को 100 बेड का करूँ, यहाँ PMO बैठे, 25 डॉक्टरों की व्यवस्था हो और मैं इसको जिला स्तर का अस्पताल की व्यवस्थाएँ हम देंगे ताकि आपके सारे इलाज की व्यवस्थाएं लोगों को जोधपुर और अजमेर ब्यावर पाली में जो व्यवस्थाएं मिलती है वो व्यवस्था मैं जैतरण में करने के लिए कोशिश करूंगा। सड़कों की स्थिति है, सड़कों को हम ठीक करेंगे, क्योंकि हमारी टूटी फूटी सड़कें हैं पूरे इलाके की। मेरे को देखिए कि रास्ता पता है, रात दिन घूमता हूँ इलाके के अंदर, मेरे दिमाग में सारा मैनिफेस्टो है और उस रूप में सड़कों के निर्माण के काम करेंगे। आज बिजली के मामले हैं, हमने मगरा इलाके के लिए बिजली अभी पिपले कल्ला से और ब्यावर से आती थी, मेरे कार्यकाल में 132 का बिजलीघर मैंने भर में स्वीकृत करवाया, उसका निर्माण तत्काल करके इस पूरे मगरे इलाके को भर से जोड़ेंगे। काड़ू का हमने 132 बिजलीघर बनाया, इसको दो भागों में बांटेंगे, व्यवस्थाओं को डिवीज़न करेंगे, छोटे छोटे GSS बनाकर ताकि बिजली की किसानों को तकलीफ नहीं आए उस काम को भी हम हाथ में लेंगे। आज पशु चिकित्सालय जो इस क्षेत्र में खुले हैं वो भी लगभग बंद पड़े हैं, तो मूक पशु और हमारी गौ माता के लिए भी मैं काम करने वाला हूँ। आज BJP के राज में हमारी गाय प्यासी रही, गौशालाओं में अनुदान नहीं दिया गया, हम गौ माता के लिए, गायों की रक्षा के लिए, पशुओं के लिए भी मैं बहुत ही प्राथमिकता से काम करने वाला हूँ। हमारा पूरा उद्देश्य ही रहेगा कि हम 36 कौम के लोगों के आवाम की भलाई के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। और जो भी महत्वपूर्ण जैतरण शहर को मैं एक बेमिसाल बहुत ही सुंदर स्वस्थ शहर बनाने का भी मेरे दिमाग में एक नक्शा है, और जो इंदिरा गांधी शांति पार्क है उसको भी बहुत शानदार व्यवस्थित तरीके से इसको हम निर्माण आगे बढ़ाएंगे और ताकि लोगों को लगे कि जैतरण का बगीचा जो है बहुत ही शानदार है। एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम जो दलितों का मसीहा है उनके नाम से मैंने मेरे कार्यकाल में स्वीकृत करवाया था, BJP के 5 साल राज में वो भी अधूरा पड़ा है। हम इसको शानदार इंडोर स्टेडियम बनाएंगे ताकि इलाके के नौजवानों के लिए सारी खेल की व्यवस्था हो, उसमें इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन, आपके बास्केट, लॉन्ग टेनिस, आपके क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, सारी सुविधाएं जैतरण के खेल स्टेडियम में हम करने जा रहे हैं। आज जैतरण शहर में छोटे छोटे पार्क है, सड़कों की व्यवस्था है, सीवरेज की व्यवस्था जो बिगड़ी है उसका हम देखेंगे उसको कैसे हम ठीक करें। आज शहर के अंदर हमारी माता बहनों के लिए मेरे टाइम में महिला खेल क्लब मैंने बनाया था, उसको महिलाओं के और हमारी बेटियों के हाथ में सौंपेंगे और वहाँ पर सारे उनके मनोरंजन के साधन जो है वो हम उपलब्ध करवाएंगे। इस शहर में पानी निकासी का जो प्रबंधन है उसको हम ठीक करेंगे। इलाके में भी हम जो गोचर भूमि है गाँव में, आज वो पशुओं के लिए उसमें कैसे इंतज़ाम हो, गोचर भूमियों में हम ट्यूबवेल खुदा कर वहाँ पर पेयजल का बंदोबस्त करके गायों के लिए चारा उगाने की कैसे व्यवस्था हो वो भी एक मेरे दिमाग में नक्शा है, ताकि गौ माताओं को
आज गांव में जहां भी जाती है पशु, उनको एक गांव वाले दूसरे गांव में खदेड़ देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि आखिर इनका हाल क्या होगा। आज पशु हमारा बोलता नहीं है, मैं इनके लिए भी बहुत बड़ा काम करने वाला हूँ और व्यक्तिगत रूप से रुचि लूँगा, सरकार में भी पशुओं के लिए पक्ष रखूँगा, ताकि गाँव-गाँव में जो गौशालाएँ ये गोचर ज़मीनें पड़ी है उनकी हम बाड़बंदी करवाएंगे और वो जगह केवल और केवल गायों के लिए पशुओं के लिए सुरक्षित करेंगे। वहाँ चारो उगे, गांव की कमेटी बने, ग्राम पंचायत की भूमिका हो, हमारी भी उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट रखेंगे, ताकि वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं पशुओं के लिए, पशु हमारे गोचर भूमि में सुरक्षित रहे। ये भी बहुत बड़ा मेरा प्रोजेक्ट रहेगा इस रूप में। चौधरी साहब, एक मेरा अंतिम सवाल और है। 31 मार्च 2018 को जैतारण में दुर्भाग्यवश से जो कुछ विवाद हुआ और उस विवाद में कई लोगों का नुकसान हुआ और शायद उनको उचित मुआवजा भी नहीं मिले, यदि आप विधायक बनते हो तो उन पीड़ित लोगों के लिए मुआवजा की आप कुछ व्यवस्था कर पाएंगे जो उनको मिलना चाहिए थे? हालांकि कुछ मुआवजा भी सरकार की तरफ से आया लेकिन उन्होंने वापस लौटा दिया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? दिलीप चौधरी पर छत्तीस कौम का बहुत बड़ा भरोसा है, मैं सभी का विश्वास कायम रखूंगा, किसी का विश्वास टूटने नहीं दूंगा। जो पीड़ित पक्ष है इलाके के, चाहे जैतारण हो चाहे कई इलाके के हो, सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी और हम सबकी भलाई और सबकी मदद करेंगे, किसी का भी दुर्भाग्यवश नुकसान नहीं होने देंगे, कोशिश करेंगे सब इलाके के लोगों को हम खुश रखें और उनको मदद और इमदाद जहाँ भी आवश्यकता होगी, जैतारण नहीं पूरे इलाके के अंदर, आज छत्तीस कौम में जहाँ भी आवश्यकता होगी, लोगों का भरोसा है मेरे ऊपर, मैं उस भरोसे पर कायम रहूँगा। धन्यवाद। ये थे दिलीप चौधरी जो जैतारण विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी है। और मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष 1998 में श्री दिलीप चौधरी कांग्रेस के बैनर तले चुनाव लड़े और वर्ष 2013 में भी आप कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में आप मैदान में लड़े और ये दिगर बात रही थी कि आप दो चुनाव हार चुके थे। और एक बार और बताना चाहूँगा, वर्ष 2008 में आप बेतौर निर्दलीय के रूप में भी आपने चुनाव लड़ा और आप विजयी रहे और कांग्रेस की सरकार में आप संसदीय सचिव भी रह चुके हैं। मैं आईबी खान, कैमरामैन एस पन्नू के साथ दिलीप चौधरी के निवास स्थान से, धन्यवाद, जय हिंद।